नहीं, मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ ना, तो घर पहुंच के तुम्हें मेल कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज़। एक बात कहूँ मलिक भाई, फोन के बहाने सब में से उठकर किसी से बात करने के बहाने बाहर आ जाना काफी पुराना हरबा है। मैं और वैसे ये रास्ता आप ही ने मुझे दिखाया। तो मजाक कर रही थी, वैसे मैंने गलत तो नहीं कहा, अंदर बिल्कुल सिग्नल नहीं आते। हाँ हाँ, वैसे अंदर सिग्नल तो नहीं आते, लेकिन यहाँ आवाज बहुत क्लियर आती है। बिल्कुल, बाहर तो वो सिग्नल भी आते हैं जो अंदर शर्मा रहे होते हैं। बहुत शरारती हो गई है ये, आप इसकी किसी बात को मायने कीजिए। नहीं, माइंड क्यों करूंगा, और शरारती क्यों हो गई है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अंदर बैठी भी अच्छी लगती क्या? मैं आंटी क्या सोचती मेरे बारे में? यही सोचती कि आपको कितना ख्याल है उनके बेटे का, दिल की बात जान रही, इसलिए पास आके बैठी। बेटा अपने दिल को संभाल के रखिए कुछ दिन। कुछ दिन? ये कुछ दिन बहुत तवील लगने लगे हैं। कोई भी नहीं, मुझे तो लग रहा है दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। ऊपर से भाई की बरी भी बनानी है, मैं तो सोच रही हूँ ये सब एक हफ्ते में कैसे होगा। हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। आप तो रहने ही दीजिए, अपनी बरी की शॉपिंग तो कर नहीं पाए, मेरे भाई की बरी की शॉपिंग करेंगे। आंटी ने बताया था शादी की शॉपिंग से पहले दिन ही आपने मना कर दिया था कि जो लेना है वो खुद लें। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसने शॉपिंग में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं बटाया। शादी की सारी तैयारी मैंने अकेले हाथ से की है, इसने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। बस कर दें अम्मी, मैं आपको खुद शॉपिंग मॉल छोड़ने जाता था शॉपिंग के लिए, याद है? आप बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने ड्रॉप बहुत दफा किया है मुझे, लेकिन घर वापसी हमेशा कैब लेके आती थी। खैर बहरहाल, इसकी मजबूरी थी ऑफिस की। अब तुम आ जाओगी ना तो इसकी सारी शॉपिंग की रिटेशन खत्म हो जाएगी। इसे भी शॉपिंग का कोई खास शौक नहीं है बेटा, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मेहंदी वाले दिन मुलाकात होगी, अल्लाह सब खैर करे। इंशाल्लाह। चलिए बेटा। फलीद भाई आपने तो मिठाई भी नहीं खाई, पूरी प्लेट वैसी पड़ी है। देखिए जरा कितनी शरारती है, मैं मजाक कर रहा था, मोमिन सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले मिठाई देगी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो, खुदा हाफिज। अम्मी एक बात नोटिस की, जून जो शादी के तरह करीब आ रहे हैं ना, दिलीप भाई भी आपा की तरह ब्लश करने लगे हैं।